सात घंटे तक बंद रहा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी ठप। दुनिया भर में बंद रहे सेवाएं, तकनीकी खामी की वजह से रही बंदी। सोमवार रात 9 बजे से तीनों सोशल मीडिया ऐप हुए थे ठप, आज तड़के 4 बजे के बाद शुरू। हाल के सालों की सबसे लंबी बंदी, ज़करबर्ग ने मांगी माफी। फेसबुक के शेयरों में गिरावट, ज़करबर्ग को हुआ घाटा। आर्यन के साथ पकड़ा गया विक्रांत चोकर, ग्रेटर नोएडा का, गार्ड के मुताबिक घर पर लगा है ताला। ड्रग्स केस में गिरफ्तार 8 लोगों में अश्मित रजौरी गार्डन का, आसपास के लोग कुछ बताने से बचते दिखे। अश्मित के पिता के हैं कुछ घर, किराए से होती है कमाई। ड्रग्स केस में गिरफ्तार गोमत के परिजनों ने भी कहा आरोपों पर कुछ नहीं कह सकते, बोले पहले एनसीबी की जांच निपटे। सभी आरोपियों से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ, अरबाज मोचन को कुछ देर के लिए बाहर ले गई एनसीबी। ड्रग्स केस की जांच के तार, विदेशों से जुड़े बिटकॉइन के जरिए किया गया था भुगतान। एनसीबी आर्यन और उसके दोस्तों से करीबी करेगी सवाल, किसने बिटकॉइन में किया था भुगतान। अब तक 10 लोग गिरफ्तार, आर्यन से एनसीबी का सवाल, उसको पार्टी में किसने बुलाया था। गिरफ्तार अरबाज मोचन के पिता का दावा, क्रूज पर सवार होने से पहले गिरफ्तार हुए थे आर्यन और अरबाज। ये सब गलत बात है, कुछ ड्रग्स बरामद नहीं हुई है, वे लोग मेहमान थे, शिप के अंदर बुलाया गया था, ये लोग बाहर ही थे, शिप एंटर भी नहीं किए थे, इनके पास ना बोर्डिंग पास है ना कुछ टिकट है। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे की बड़ी मुश्किलें, मुंबई के कला कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा। एनसीबी दफ्तर में है शाहरुख के बेटे आर्यन समेत 8 आरोपी, ड्रग्स केस में पूछताछ कर रही है जांच एजेंसी। एनसीबी ने कोर्ट में दिया शाहरुख के बेटे के व्हाट्सएप चैट का हवाला, कहा कोड वर्ड का हुआ है इस्तेमाल। क्रूज पर बतौर स्पेशल गेस्ट के तौर पर गया था आर्यन, नहीं दिए थे पैसे, शाहरुख के बेटे के वकील ने कोर्ट में दी दलील। आर्यन खान के फोन में आपत्तिजनक तस्वीरें मिलने का भी दावा, इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग से जुड़े होने के संकेत। सुनवाई के दौरान कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा एडीपीएस एक्ट के तहत गैर जमानती है तमाम अपराध। एनसीबी ने कानूनी नियमों के तहत शाहरुख से करवाई गई बेटे की बात, फूट फूट कर रोए आयरन। बेटे की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान के बंगले पर पसरा सन्नाटा, किंग खान से मिलने पहुंचे सलमान की बहन अलवीरा। ड्रग्स केस में एनसीबी ने 2 ड्रग पेडलरों को किया गिरफ्तार, एक ड्रग पेडलर का नाम है श्रेयस नायर, जोगेश्वरी से पकड़ा गया, दूसरा ड्रग पेडलर डार्कनेट और बिटकॉइन के जरिए लेता था ऑर्डर। लखीमपुर में खूनी झड़प से पहले का वीडियो आया सामने, आपके नेता संजय सिंह ने किया ट्वीट। वीडियो में काली कार किसानों को कुचलते हुए दिखी, कुछ लोग कार के बोनट पर गिरे, पीछे से मारी गई टक्कर, मौके पर मच गई थी भगदड़। जांच में अहम सबूत होगा ये वीडियो, गृह राज्य मंत्री ने कहा था पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया गया हमला। आज अज़दुद्दीन ओवैसी जाएंगे लखीमपुर, ये मोदी का आज लखनऊ दौरा, आजादी के अमृत महोत्सव में करेंगे शिरकत। 3 दिन के अर्बन कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन, 4700 करोड़ से ज्यादा के 75 प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। 75,000 लोगों के घर का सपना भी होगा साकार, कुछ लोगों को वर्चुअल तरीके से चाबी सौंपेंगे पीएम। पेंडोरा पेपर लीक को लेकर सरकार गंभीर, जांच के लिए दिए आदेश, मल्टी एजेंसी ग्रुप करेगा जांच, सीबीडीटी के चेयरमैन की देखरेख में होगी जांच। नए वायुसेना अध्यक्ष आज पहली बार मीडिया से होंगे रूबरू, आसमान में भारत की ताकत का करेंगे जिक्र। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर आज WHO करेगा फैसला, स्ट्रैटेजिक ग्रुप की आज बैठक। कोविड के बच्चों पर असर को लेकर भारत जारी करेगा रिपोर्ट, बच्चों को कोविड के असर से उबारने में विशेषज्ञों को मिलेगी मदद। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस में बड़ा विवाद, उपचुनाव की दोनों सीटों पर आरजेडी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस की आरजेडी की चेतावनी,
कुशेश्वर स्थान सीट पर हटाया अपना उम्मीदवार, ऐसा नहीं करने पर दोनों सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। पागमबरी गद्दी के महंत का पद आज संभालेंगे बलबीर गिरी, नरेंद्र गिरी ने बनाया था उत्तराधिकारी। लखीमपुर गिरीकांड को लेकर जारी है सियासी कोहराम, लखनऊ में प्रियंका के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कैंडल मार्च। दिल्ली में भी एनएसयूआई ने निकाला कैंडल मार्च, लखीमपुर गिरीकांड को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल। लखीमपुर गिरीकांड को लेकर ओवैसी ने योगी सरकार को घेरा, बोले किसानों के समर्थन के लिए घटनास्थल पर जाने के लिए मैं भी हूं तैयार। सरकार समझती है कि किसी की जान लेने से, पैसे देने से इंसाफ हो जाएगा। ये जो पूरा वाकया हुआ है ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ है। सियासी घमासान के बीच लखीमपुर गिरीकांड में समझौता, मारे गए किसानों के परिजनों को 45-45 लाख का मुआवजा। मारे गए किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी का भी वादा, घायलों को 10 लाख की रकम। और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में नाराज किसानों से राकेश टिकैत ने की बात, एडीजी के साथ बैठकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राकेश टिकैत ने की केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग, सरकार को दिया 10 दिनों का वक्त। तहरीर में 120 बीमे तो जाएगा बाप मंत्री जो है, और उसका लड़का जाएगा 302 में जिसने गोली चलाई और गाड़ियां चढ़ाई। बीएसपी ने की यूपी के में राष्ट्रपति शासन की मांग, सतीश चंद्र मिश्रा बोले किसानों के साथ हो रहा है अन्याय। जेएनयू तक पहुंची लखीमपुर खीरी की आग, छात्र संघ ने पुका योगी सरकार का पुतला। मेरठ में सियासी घमासान, अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के खिलाफ समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल तक पहुंची लखीमपुर खीरी की आग, आसनसोल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सीएम योगी का जलाया पुतला। राजस्थान के हनुमानगढ़ में धान की खरीदारी को लेकर किसानों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया जबरदस्त लाठीचार्ज। जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे किसान, लाठीचार्ज के बाद गहलोत सरकार को दी चेतावनी। हरियाणा के सीएम के लठ मारने वाले बयान पर बड़ा विवाद, सिद्धू ने मनोहर लाल खट्टर पर की देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ रोहतक में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, हरियाणा के सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर किसानों ने लगाया जाम, हरियाणा के सीएम के बयान पर जोरदार नाराज किए। पंजाब के राज्यपाल से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, किसानों के हालात को लेकर सौंपा ज्ञापन। भवानीपुर के गुरुद्वारे में पहुंची ममता बनर्जी, उपचुनाव में जीत का किया शुक्रिया। बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों की जीत का दावा, महेश्वर हजारी बोले कुशेश्वर स्थान से तय है जीत। कांग्रेस ने फिर खोला कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा, हरीश रावत बोले बीजेपी की मदद कर रहे हैं पंजाब के पूर्व सीएम। डर लग रहा है कि एक व्यक्ति जो पहले हमेशा लोकतांत्रिक परंपराओं और सेक्युलरिज्म के साथ आगे बढ़ा, उस थिंकिंग के साथ आगे बढ़ा, वो भाजपा के राजनीति का मुखौटा बन रहा है। बरेली में धार्मिक आयोजन में रूट बदलने को लेकर जोरदार बवाल, पुलिस को करनी पड़ी सख्ती। ग्रेटनोएडा में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने एक बाइक को मारी टक्कर, दो भाई बहनों की मौत। झारखंड के रामगढ़ में जोरदार बवाल, स्थानीय लोगों ने की आंसू के छात्रों की जमकर पिटाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक युवक की हत्या से हड़कंप, दो दोस्तों ने वारदात को दिया अंजाम। कोलकाता में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इंदौर में टायर कारोबारी की हत्या में पति पत्नी गिरफ्तार, जंगल ले जाकर की थी हत्या। हनुमानगढ़ में फूड पॉइजनिंग से ही एक परिवार के 5 लोगों की तबीयत खराब, 2 की मौत। हरियाणा के सोनीपत में केएमपी पर दर्दनाक सड़क हादसा, 4 छात्राओं को कार ने मारी टक्कर, की मौत। भरतपुर में करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत का नशीला पदार्थ जब्त, झारखंड से जोधपुर की तरफ जा रहा था ट्रक, 6 गिरफ्तार। गोरखपुर के कई इलाकों में जल भराव, सड़क पर जमा है 3 से 4 फीट तक पानी। बिहार के सहरसा में आईपीएस की मां बनी मुखिया, चैनपुर पंचायत की युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा में मत कर दिया भरोसा।
बिहार के समस्तीपुर में मुफ्त में कानूनी मदद दिलाने के लिए जागरूकता अभियान 14 नवंबर तक घर घर जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। हमदिया शेयर बाजार में चार दिन से चल रहा गिरावट का दौर, सेंसेक्स में 533 अंकों के उछाल, 159 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ निफ्टी। महंगाई को काबू में करने के लिए बाजार में मौजूद अतिरिक्त नकदी को खींच सकता है आरबीआई, एमपीसी बैठक के बाद हो सकता है ऐलान। एलआईसी के मेगा आईपीओ के आगाज की तैयारी शुरू, अगले महीने सेबी के पास दस्तावेज करेगी जमा कंपनी। तीन सब्सिडियरी कंपनियों का आईपीओ लाएगी एनटीपीसी, $2 अरब की रकम जुटाने का अनुमान। सेमी कंडक्टर की कमी बढ़ी, सितंबर में कारों की बिक्री के रास्ते का ब्रेकर 36.6% की भारी गिरावट से मुश्किल में कार बाजार। भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की तैयारी कर रहा है वेदांत समूह, $20 अरब का होगा कुल इन्वेस्टमेंट। टाटा ने लॉन्च की 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से लैस किफायती माइक्रो एसयूवी 5 इग्निस, के यूवी 100 नेक्स्ट, काइगर और मैग्नाइट से होगा मुकाबला। केरापन प्रोफेशनल्स फोरम ने किया समृद्धि सबके लिए कार्यक्रम का आयोजन, जरूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार मुहैया कराने पर जोर। मुजफ्फरनगर में जिला हॉर्टिकल्चर अफसर की पिटाई, महिला और 7 आए लोगों ने जमकर पीटा। खंडवा में नो पार्किंग जोन में कार खड़ी करने पर सांसद का कटा चालान, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भरे ₹1500। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 3 आईडी बरामद। सुरक्षा बलों के जवान थे निशाने पर, रेंगापारा और बंजारपारा के बीच फिट किए गए थे आईटी बम। बाड़मेर में फिल्म स्टाइल में लूट, बैंक में घुसकर लूटे ₹1,00,000। उत्तराखंड में मधमहेश्वर में जमकर हुई बारिश, मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में घुसा बारिश का पानी। अमरावती के गांव में लुटेरों का कहर, हथियारों के दम पर लूटे 14 लाख के गहने। नोएडा में नकाबपोश बदमाश ने धर्म कांटे पर बोला धावा, बुजुर्ग महिला बदमाशों से भिड़े। सीतामढ़ी में व्यवसायी के घर दिन दहाड़े लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीर। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंच रहे हैं करीब 200 श्रद्धालु, 6 कंपनियां दे रही हैं हेली सेवाएं। बिना ई पास के केदारनाथ दर्शन के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, सोन प्रयाग में प्रशासन की ओर से किया गया वेटिंग रूम का इंतजाम। कोरियाई प्रायद्वीप पर भारी तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने किया शक्ति प्रदर्शन, 73वें सशस्त्र बल दिवस के मौके पर तीनों सेनाओं का सैन्य अभ्यास। जर्मनी के एकीकरण की 31वीं वर्षगांठ पर मल्टीमीडिया शो का आयोजन, आसमान में छोड़े गए 200 ड्रोन। मेक्सिको में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों का हंगामा, ग्रेस तूफान से प्रभावित लोगों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यक्रम स्थल पर बोला धावा।